आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव और पार्वती के तीसरे पुत्र के बारे में, जो अपनी माता पार्वती से ही विवाह करना चाहता था। हम सब शिव पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में जानते हैं, पर शिव पार्वती के तीसरे पुत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं शिव पार्वती के तीसरे पुत्र अंधक के बारे में। एक बार शिव जी पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हुए थे, तभी पीछे से पार्वती जी ने अपने हाथों से शिव जी की आंखें बंद कर दी और इस तरह पल भर में समस्त जगत में अंधकार छा गया। दुनिया को रोशन करने के लिए शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली, पर इससे इतनी रोशनी हुई कि जगत तो प्रकाशमान हो गया, पर पार्वती जी पसीने से भीग चुकी थी। इन पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जो दिखने में दैत्य के समान भयानक मुख वाला था। माँ पार्वती ने जिज्ञासा से शिव जी से इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। शिव जी ने इसे अपना पुत्र बताया और अंधकार की वजह से इसका जन्म होने के कारण उसका नाम अंधक रख दिया। कुछ वर्ष बाद असुरराज हिरण्याक्ष ने शिव जी की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप एक बलशाली पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। बालक अंधक अब दैत्यों के बीच ही पला और बड़ा होने के बाद असुरों का राजा बना। अंधक ये भूल चुका था कि शिव और पार्वती ही उसके सगे माता पिता हैं। अंधक बहुत बलवान था और अधिक बल और शक्ति पाने की चाह में अंधक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब अंधक के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उसने मांगा कि वो सिर्फ तभी मर सकता है जब वो अपनी माँ को काम वासना की नज़र से देखे। ब्रह्मा जी ने अंधक को ये वरदान दिया। अंधक वरदान पाकर खुश हुआ, क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं थी। वरदान पाने के बाद वो तीनों लोकों को जीत चुका था। हर कोई उससे भयभीत होने लगा। त्रिलोक जीतने के बाद अब वो सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। उसने जब पता लगाया तो उसे पता चला कि समस्त जगत में देवी पार्वती ही सबसे सुंदर युवती है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उनकी सुंदरता को देखकर काम वासना में अंधा हो गया और देवी पार्वती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो देवी पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, तो देवी पार्वती ने भगवान शिव का आवाहन किया। पार्वती के आवाहन पर शिव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। शिव ने अपने ही पुत्र अंधक का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।